सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। वाराणसी में मुठभेड़, दो बदमाशों के पैर में लगी गोली, बीजेपी नेता की हत्या और उनके बेटे पर जानलेवा हमले की साजिश थी। बलिया में पुलिस मुठभेड़ में जवाबी कार्रवाई में अपराधी घायल, मेले से उठा लाए थे लड़की को, लुहलुहान हालत में सड़क पर फेंक दिया था। बच्ची को रेल लाइन किनारे फेंका, बच्ची की पहचान को पुलिस ने 7 किलोमीटर रेल लाइन खंगाली, हालत है गंभीर। बस्ती में जलस्तर घटने से कटान, संक्रामक बीमारियों को बड़ा खतरा, खतरे के निशान से 71 सेंटीमीटर ऊपर प्रभावित हो रही है सरयू। बुलंदशहर के अपहरण व्यापारी को हापुड़ में छोड़ भागे बदमाश, आईजी खुद बरामद करने पहुंचे, सीएम तक पहुंचा था मामला। फतेहपुर में जहर खाने से महिला की मौत, भाई ने अंतिम संस्कार से रोका, बोला ससुराल ने जहर देकर बहन की हत्या की है। पेट धांधली में प्रयागराज के शिवम को तलाश रही एसटीएफ, उन्नाव में पकड़े दो अभ्यर्थियों को सालवर तक ले गया था। देवरिया में पेट्रोल पंप मालिक से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, गैंगस्टर तारबाबू कट्टा कारतूस के साथ गिरफ्तार। उन्नाव में युवक ने फांसी लगाकर किया आत्महत्या, पिता घर पर नहीं था, पुलिस बोली मानसिक तनाव में था, परिजनों से हो रही पूछताछ। श्रावस्ती में कच्ची दीवार गिरने से मासूम की मौत, आंगन में खेल रहा था मासूम, मलबे में दबने से मासूम की गई जान। महाराजगंज में अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, बोले डॉक्टरों की लापरवाही से गई जान। जालौन में दो बहनों की नाले में डूबने से मौत, छोटी बहन को बचाने बड़ी डूबी, गोताखोरों ने दो घंटे मशक्कत के बाद किया शव बरामद। मिर्जापुर में ओवरलोडिंग में पट्टाधारकों पर शिकंजा, ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चला अभियान, 31 वाहन पकड़े गए। संभल में एसटी लाइन के नीचे खड़े ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत पर पाया आग पर काबू, ट्रक मालिक को 3 लाख का नुकसान। हिंदुत्व को धार देने में जुटा संघ, प्रयागराज में महामंथन संघ का अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की 4 दिवसीय बैठक शुरू। मैनपुरी में गन पॉइंट पर किशोरी से रेप, घर में घुसकर की शर्मनाक वारदात, पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, आरोपी फरार। बागपत एडीएम ने मावा भट्टियों पर की छापेमारी, पाउडर से बनाए जा रहे मावों को कराए नष्ट। बिजनौर में दूसरे की जगह पेट देने आया था सॉलर गिरफ्तार, 10,000 लेकर आया था परीक्षा देने, साथ में आया था दलाल। आजमगढ़ में घाघरा का एक और बांध टूटा, जोकहरा के रिंग बांध टूटे से भरा लोगों के घरों में पानी, प्रशासन मौके पर पहुंची। बर्थडे पार्टी में गई युवती की संदिग्ध मौत, परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाया, जाम कर पुलिस की कार्यशैली में दिखी काफी झोल।
हरदोई में घायल युवक को एसडीएम ने पहुंचाया अस्पताल। हाईवे पर गिरकर तड़प रहा था बाइक सवार, ड्यूटी से लौट रहे थे एसडीएम। हापुड़ में हर पल उत्पाद कारोबारी से 1.40 करोड़ रुपए हड़पे, 4 लोगों पर एफआईआर, प्लाट दिलाने के नाम पर लिए थे रुपए। हरदोई में छज्जा गिरने से 3 बच्चे घायल, ग्रामीणों ने मशक्कत कर मलबे से बाहर निकाला, गंभीर हालत में 3 को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, बरेली ने पुलिस पकड़े अफीम तस्कर, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कुशीनगर के दंगल में पहुंचे सांसद रवि किशन, दंगल में ठोकी ताल, कन्नौज और कुशीनगर के सांसद और खड्डा विधायक को दी चुनौती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट, ट्वीट में लिखा यूपी में 39 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीनेशन। खत्म हुआ इंद्रजाल का तिलिस्म, मशहूर जादूगर ओपी शर्मा का निधन, किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे जादूगर ओपी शर्मा। कार्यकर्ता के बीच में बोलने से भड़के कैबिनेट मंत्री का, हमसे बड़े नेता हो तो बोलो नहीं तो सुनो माइक फेंका। अलीगढ़ के कमिश्नरी कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी ने मीडिया को किया संबोधित, कहा विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है अलीगढ़। बहराइच का मटेरा पहुंचे भारतीय तौलिक राठौर, मटेरा को नगर पालिका घोषित करने की उठी मांग, मटेरा विकास कार्यों में बहुत है पीछे। आगरा में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के आवास पर पहुंचे सैकड़ों लोग, क्षेत्र में विकास कार्य न होने से नाराज है जनता। अमेठी के राजा मऊ कंपोजिट विद्यालय परिसर से गुजरी हाईटेंशन की लाइन, हाईटेंशन लाइन के चलते टेंशन में रहते हैं अध्यापक व बच्चे। औरैया में खनन माफियाओं से परेशान प्रधान, योगी आदित्यनाथ से लगाई मदद की गुहार, प्रधान परिवार में खनन माफियाओं का दहशत। लखीमपुर खीरी गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची हुई जारी, जितेंद्र प्रसाद समेत कई मंत्रियों के नाम शामिल। बुलंदशहर में नरसेना थाने में धरना पर बैठे भाकियू टिकैत संगठन के कार्यकर्ता, साठगांठ ने पुलिस पर लगाए सुनवाई न करने का आरोप। देवरिया में सगे मौसा ने 8 साल की मासूम से किया रेप, आरोपी फरार यह शर्मनाक घटना सदर कोतवाली थाना क्षेत्र की है। बुलंदशहर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। देवरिया नगर पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज, प्रत्याशी चंद्रशेखर कश्यप पर भाजपा पर जताया उम्मीद। बुलंदशहर में 3 कुख्यात गो तस्करों की पुलिस की मुठभेड़, मुठभेड़ में 1 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। फरुखाबाद में फतेहगढ़ जिला जेल में कैदियों को मिलता है 5 स्टार जैसा खाना, भोजन व्यवस्था के लिए अधीक्षक को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र। गाजियाबाद में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने वाली 2 शातिर आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 आरोपी को भेजा जेल। हमीरपुर में अन्ना गोवंशों ने सैकड़ों बीघे की फसलों को किया नष्ट, किसानों ने सरकार से लगाई गुहार।
गाजियाबाद में कुत्तों के हमले से लेकर नगर निगम सख्त, अब नहीं होगा खतरनाक प्रजाति के कुत्तों का रजिस्ट्रेशन। हरदोई में बाइक सवार ने ऑटो चालक को जमकर पीटा, विवाद में दबंग ने जड़े कई थप्पड़, गुंडई का वीडियो हुआ वायरल। गाजियाबाद में मकान मालिक ने क्या महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने महिला को दी थी जान से मारने की धमकी। संभल में वार्षिक पुस्तक स्पर्शी के द्वितीय संस्करण का विमोचन कार्यक्रम का किया गया आयोजित, सांस्कृतिक मंत्री ने मां सरस्वती की स्तुति प्रस्तुत की। कानपुर में 20 साल बाद हत्या के मामले में एडीजे अवनीश कुमार ने 4 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई, साथ जुर्माना भी लगाया। कासगंज में युवा को नामजद आरोपियों ने मारी गोली, पुरानी रंजिश के चलते तीनों आरोपियों ने वारदात को दिया अंजाम। लखनऊ पुलिस की लापरवाही से गई युवक की जान, परिजनों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। मैनपुरी में शिक्षक बना हैवान, बेहोश बच्चे को नहीं दिलाए उपचार, 3 घंटे तक धूप में विद्यालय परिसर में ही पड़ा रहा बच्चा। कार्तिक मास में यमुना स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की हुई फजीहत, कीचड़ व दलदल में श्रद्धालुओं ने लगाई यमुना नदी में आस्था की डुबकी। रायबरेली दुकान में ताला तोड़ फोड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुटी पुलिस। संभल में अवैध रूप से किए जा रहे खनन को लेकर जिला प्रशासन सख्त, प्रशासन ने ट्रैक्टर ट्राली सीज किया। सुल्तानपुर में आयोजित हुआ मां भगवती का भव्य जागरण मंच, भगवती जागरण में सारी राज्य में श्रद्धालु। संभल में पेट परीक्षा का हुआ आयोजित, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। सृजन फाउंडेशन की ओर से 7वें यूपी महोत्सव का हुआ शुभारंभ, महोत्सव का उद्घाटन भाजपा नगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने किया। संभव शौकत अली एमआरएम भड़काऊ बयान को लेकर सदर कोतवाली इलाके में मुकदमा दर्ज, एएमआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली। लखनऊ में धूमधाम से हुआ 2 दिवसीय मीडिया ओलंपिक का शुभारंभ, पहले दिन टेबल टेनिस का खिताब शरदीप अग्रवाल ने जीता। चंदौली में ओम प्रकाश राजभर ने किया सावधान रैली का शुभारंभ, कार्यक्रम में समर्थकों व पदाधिकारियों की जुटी भारी भीड़। लखनऊ पहुंचे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर है अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हादसा, यात्रा में शामिल 4 कार्यकर्ताओं को लगा करंट, 4 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में पुलिस के हत्थे चढ़ा हत्या का फरार आरोपी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ में थाना बीबीडी क्षेत्र के रेगुलेटर इंदिरा नहर मेला लावारी शव, लगातार डेड बॉडी मिलने से पुलिस है हैरान। मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने सैफई पहुंचे कुमार विश्वास, कुमार विश्वास ने नेताजी को अर्पित की श्रद्धांजलि।
मुरादाबाद में पुलिस पर हमले का वीडियो आया सामने। भाजपा नेता की पत्नी की मौत के बाद घेर कर पीटा। पीलीभीत में युवक की मौत का लाइव वीडियो वायरल। मोबाइल चलाते हुए रोड पर कर रहा था पार, कार ने मारी टक्कर। चेन स्नेचर को खींचकर थाने ले गई महिला। बोली, 5 दिन पहले गले से लॉकेट छीनकर भागा था, गमछे से फंसाकर 1 किलोमीटर पैदल ले गई। बाराबंकी में सांसद ने सहायक अभियंता की लगाई क्लास, फोन कर काम करने के लिए कहा, सहायक अभियंता पर ऑडियो वायरल करने का आरोप। बदायूं में युवक की लाठी से पीटकर हत्या, सगे भाई भतीजों ने घर के सामने किया हमला। बरेली जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। गाजियाबाद में टैंक में उतरे 2 सफाई कर्मियों की मौत। घोड़ा इलाके में सफाई के दौरान हादसा, सेप्टिक टैंक तोड़कर निकाले शव। फिरोजाबाद में 100 किलो अवैध पटाखे बरामद, 1 लाख रुपए की कीमत, 1 आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के पट्टी ब्लॉक प्रमुख पर ईंट पत्थर से हमला, जमीन को लेकर चला रहा था विवाद, तोड़ी वाहन, 5 लोग गिरफ्तार। सहारनपुर खनन में लगे डंपर में युवक को कुचला, मौत 100 मीटर तक घसीटता ले गए, परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर किया हंगामा। सिकंदरा के कंटेनर में बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत, रॉन्ग साइड से आ रहा था कंटेनर। ₹50,000 देकर क्रिश्चियन बनाने का आरोप, हिंदू संगठनों ने की शिकायत, वाराणसी पुलिस ने चर्च संचालक के खिलाफ शुरू की जांच। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।